Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue chapter 1. What is democracy and why democracy? लास्ट वीडियो में हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फीचर्स को जान चुके हैं और डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं. इस वीडियो में हम जानेंगे वाई डेमोक्रेसी, यानी सिर्फ डेमोक्रेसी ही क्यों. सो लेट्स स्टार्ट. आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जहाँ नहीं है वहाँ के लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं. बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा डेमोक्रेसी के फेवर में तर्क भी दिए जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम मान लें डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी में सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. पर ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हमें पॉवर्टी, करप्शन, इनस्टेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. पर ऐसा क्यों? इसके लिए ज़रूरी है कि पहले डेमोक्रेसी के लिमिटेशंस को समझा जाए, यानी आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिए जाते हैं. जैसे कि नंबर 1, डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं जिससे इनस्टेबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि लीडर्स को इलेक्शन के जरिए एक फिक्स टेन्योर के लिए चुना जाता है और जिस वजह से लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं. कई बार लीडर्स चेंज हो जाने से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीच में ही बंद हो जाते हैं. नंबर 2, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, यानी लोकतंत्र लोगों को कई ऑप्शन देता है. जैसे कि इन कंट्रीज में बाय पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जिस वजह से इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले देखने को मिलता है, जिसमें मोरालिटी की कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि हर पार्टी जीतना चाहती है और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है. नंबर 3, सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले, यानी किसी भी लॉ या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत से लोगों से डिबेट और डिस्कशन करना पड़ता है, जिससे डिसीजन लेने में देरी होती है. नंबर 4, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, यानी कभी कभार इलेक्टेड लीडर्स को ना तो लोगों की ज़रूरतें और ना ही उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होता है, जिससे कई बार बैड डिसीजन ले लिए जाते हैं. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. जैसा कि हमने पहले भी कहा, इलेक्शन जीतने के लिए कई बार पार्टीज कुछ भी करने को तैयार होती हैं, और इसी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है. नंबर 6, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, यानी कई बार आम लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इसलिए वो कई बार सही रिप्रेजेंटेटिव को चूज नहीं कर पाते हैं. देयर आर 6 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, जिन्हें डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज या डीमेरिट भी कहा जा सकता है. मींस हमें ये तो पता चल चुका है कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हमें करप्शन, इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं. वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी के पास सभी प्रॉब्लम्स का कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है. बट वन थिंग वी कैन से अबाउट डेमोक्रेसी दैट इट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी हो सकता है कि डेमोक्रेसी कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो, बट रियल लाइफ में जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है. जैसे कि डेमोक्रेसी के अलावा हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स हैं, क्या वो डेमोक्रेसी से बेटर है, जैसे मोनार्की या डिक्टेटरशिप? अगर हमारा आंसर नो है तो सिर्फ डेमोक्रेसी ही क्यों. इसे जानने के लिए समझना होगा आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के फेवर में दिए जाते हैं, जिन्हें डेमोक्रेसी की एडवांटेज और मेरिट भी कहा जा सकता है. तो चलिए बात करते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो डेमोक्रेसी के फेवर में दिए जाते हैं. वर्ल्ड हिस्ट्री में अब तक का सबसे वर्स्ट फेमाइन यानी अकाल 1958 और 61 के दौरान चाइना में पड़ा. इस फेमाइन में भूख से करीब 3 करोड़ लोगों की जानें चली गई. उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी इंडिया में चाइना की तरह ऐसे कोई कंडीशन नहीं आई. इकोनॉमिस्ट का कहना है ऐसा दोनों कंट्रीज के गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई डिफरेंट पॉलिसीज के कारण हुआ. इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने से इंडियन गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी जैसे इशू पर ध्यान दिया गया, जबकि चाइना की गवर्नमेंट ने इस तरह का काम करने की कोई जरूरत नहीं समझी. इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट कंट्री में फेमाइन जैसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई है. वो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में मल्टी पार्टी या बाय पार्टी सिस्टम होता है, जिससे अपोजिशन पार्टीज को प्रेजेंट की गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा सकता है. इसके अलावा मीडिया भी फ्री होता है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है. ना ही वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और ना ही वहाँ की मीडिया फ्री है. अगर चाइना में भी ऐसा होता तो शायद भूख से इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती. ये एग्जाम्पल हमें रीजन देता है कि क्यों डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है, क्यों डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करती है. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लोगों की नीड्स को पूरा कर भी सकती हैं या नहीं भी, ये उन लीडर्स पर डिपेंड करता है जो वहाँ की गवर्नमेंट को रन करते हैं. और यहाँ से हमें मिलता है डेमोक्रेसी का फर्स्ट मेरिट.
A democratic government is better government because it is more accountable form of government. यानी इस तरह की गवर्नमेंट में ज्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। अब चलते हैं दूसरे मेरिट की तरफ। डेमोक्रेटिक कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि ये बेस्ड है कंसल्टेशन और डिस्कशन पर, जिसमें बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, डिस्कशन किए जाते हैं और कई मीटिंग्स भी की जाती हैं। अगर किसी भी एक मुद्दे पर बहुत से लोगों का दिमाग लगाया जाए तो गलती करने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसमें टाइम तो बहुत लगता है, जिससे डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। इस पॉइंट को हमने डेमोक्रेसी के डीमेरिट में भी कवर किया था, पर इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इस तरह से रैश और इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दस वी कैन से डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की संभावना को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड थर्ड आर्गुमेंट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी लोकतंत्र हमें ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिससे लोगों के बीच हुए डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील किया जा सकता है। पर कैसे? इन इंडिया जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ लोग डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और लोग डिफरेंट कास्ट से भी बिलोंग करते हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हर व्यक्ति का दुनिया को देखने का नजरिया भी अलग होता है, उनकी प्रेफरेंसेस, ओपिनियन और इंटरेस्ट भी अलग होते हैं। अलग प्रेफरेंसेस या ओपिनियन होने की वजह से एक ग्रुप की प्रेफरेंसेस और दूसरे ग्रुप के प्रेफरेंसेस में टकराव हो सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। अब इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए? हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि इसे फोर्सफुली यानी ब्रूटल पावर के जरिए दबा दिया जाए, या जो ग्रुप ज्यादा पावरफुल है उसे डिक्टेट करने दिया जाए, जिससे दूसरे ग्रुप को उनके द्वारा बनाए गए टर्म्स को मानना पड़ेगा। पर इससे लोगों के बीच रिसेंटमेंट यानी असंतोष और नाराजगी बढ़ेगी, और इस तरह से डिफरेंट ग्रुप के लोग ज्यादा समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। बट डेमोक्रेसी ऐसी सिचुएशन में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पीसफुल तरीके ढूंढती है, और इसीलिए डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस से डील करने की क्षमता होती है। एक बेटर गवर्नमेंट और सोशल लाइफ पर इफेक्ट के आधार पर ये आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी को काफी मजबूत बनाते हैं। पर डेमोक्रेसी के फेवर में जो सबसे स्ट्रांगेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो गवर्नमेंट से नहीं बल्कि डेमोक्रेसी और सिटीजन के बीच के रिलेशन से है, क्योंकि हो सकता है डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन ना ले, हो सकता है कि गवर्नमेंट ज्यादा अकाउंटेबल ना हो, फिर भी ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। पर क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, यानी लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ लोगों को भी वही दर्जा मिलता है जो अमीर और पढ़े लिखे को मिलता है। लोग किसी रूलर के सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि वे खुद अपने रूलर होते हैं। अगर वो मिस्टेक करते हैं तो वो इसके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। एट लास्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होगी, पर इस तरह की गारंटी कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती है। पर यहाँ पर एडवांटेज ये है कि किसी भी गलती को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता है, और इसीलिए डेमोक्रेसी में इन्हें सुधारने की क्षमता भी होती है, चाहे वो रूलर द्वारा उनके डिसीजन को चेंज करके हो या रूलर को चेंज करके हो, जबकि ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना होते हुए भी ये दूसरे अल्टरनेटिव से काफी बेटर है। अब हम व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझ चुके हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और ये वीडियो पसंद आई हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।